कर्मचारी कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई एक बैठक। इस बैठक में मध्य प्रदेश की नवीन सरकार को बधाई भी दी गई, साथ ही जो सरकार ने वादे किए हैं उनको पूरा कराने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस मुख्यमंत्री से मिलेगी। कर्मचारी कांग्रेस की वार्षिक साधारण सभा की बैठक है जो वर्ष में दो बार होती है। आज की बैठक महत्वपूर्ण है और चूंकि मध्य प्रदेश में एक नई सरकार बनी है तो सरकार ने जो वचन पत्र में कर्मचारियों से संबंधित जो वादे किए हैं उसके संबंध में जो आज की बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के समक्ष जाकर और जो कर्मचारियों की जो समस्या है उनने वचन पत्र में लेकर निराकरण करने का जो वादा हमसे किया था उन कर्मचारियों की समस्याओं को पूरा करवाने के लिए आज की बैठक का आयोजन रखा गया है। कांग्रेस की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री प्रमोद रघुवंशी जी को पुनः 19-20 के लिए जिला अध्यक्ष मनोनयन किया जाए, इसका सभी साथियों ने समर्थन किया।